बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में क्लास हमने डेटाबेस एंड कंटेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेंशन, इनोवेशन एंड कम्पेटिटिव एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के बारे में दो टॉपिक्स एक्चुअल में हम कवर करेंगे, बिकॉज दैट्स अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट that we have to cover our remaining topic in last 10 lectures. So 6 lectures have been done, so 4 are left. So, इसलिए जो है वो अब जो बाकी 4 लेक्चर बच गए हैं उसमें हमने क्या करना है, अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स या जो रिमेनिंग लेक्चर्स रह गए उनको वी हैव टू कवर दीज टॉपिक्स। सो इसीलिए जो है अब दो दो लेक्चर्स को एक एक लेक्चर में हमें कवर करना पड़ेगा, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। सो दैट्स वाई वी हैव डन टू टॉपिक्स टूडे, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड कम्पेटिटिव एडवांसेस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। एज यू नो के बिल्कुल देखने से ही नज़र आ रहा है कि इन टॉपिक्स में क्या है। ये क्लास इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आप इसकी थ्योरी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की जो है वो ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव यू आर एट दैट लेवल, मेच्योरिटी लेवल पे आप हैं कि आप जो है वो इसको खुद जो है वो लिख सके, अपनी तरफ से डिफाइन कर सके, एंड यू हैव टू। और जो इनको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ करना वो मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। और टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन जो है, ऊपर वाली तो बात आपको समझ आ ही रही होगी, इन्वेंशन, इनोवेशन, कंपेटिटिव एडवांटेज शायद आप लोगों को थोड़ा सा होना ना हो वो बता देंगे आपको। और जो टेक्नोलॉजी सिलेक्शन है वो यही है कि जब हमने अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करना है, टेक्नोलॉजी को लगाना है, तो कौन कौन सी बिहाफ पे हमने उसको जो है वो देख के लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, उसके 5 स्टेप्स हैं सिलेक्शन के। सिलेक्शन के 5 स्टेप हैं कि टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जो फैक्टर्स हैं टेंजिबल है या इंटेंजिबल है उनको कैसे देखना चाहिए, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेंजिबल है और इंटेंजिबल्स हैं। सो दिस वाज द एजेंडा ऑफ योर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो क्या कहता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंशन क्या है। इन दोनों, ये दोनों बहुत ही बारीक से टॉपिक हैं, इनमें अक्सर जो है वो डिफरेंस नहीं पता चलता कि इन्वेंशन इनोवेशन क्या चीज़ है। और अगर इस पे तो दो दो घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। सो थोड़ा सा हम समराइज़ करेंगे इसको। इन्वेंशन क्या है क्लास, जैसे कोई चीज़ कुछ नई, कोई चीज़ को नए सिरे से बना देना, इन्वेंट कर देना, ठीक है। मतलब आप जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, कंप्यूटर इज़ एन इन्वेंशन। कंप्यूटर क्या है, एक इन्वेंशन है। पीसी कंप्यूटर, जो पहले जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, यानी कि जब आप देख लें कि अगर आप अब एसएसडी को पकड़ के देखें, और तब की जो है जो हार्ड डिस्क को आप पिक्चर्स पड़ी भी हैं 1980-1990 की, तो आप देखें तो वो जहाज़ों पर लाते होते थे हार्ड ड्राइव, और तकरीबन वो 5 MB की या 10 MB की हार्ड ड्राइव होती थी, ठीक है। तो आप इससे जो है वो डिफरेंस जो है वो लगा सकते हैं कि वो इन्वेंशन थी, वो अभी इन्वेंट हुई थी चीज़, और अब वाली जो एसएसडी हमने पकड़ी हुई है ये इनोवेशन है, ठीक है। वो इन्वेंट हुई थी, ये इनोवेशन है। इसी तरह जो कंप्यूटर है ये क्या था, इन्वेंशन थी, ठीक है। चाहे इसको जो है वो मैथमेटिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया गया था, बट ये इन्वेंशन थी। अब जो इसकी जो है फॉर्म, लैपटॉप्स आप देख लें, ये इनोवेशन है, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या है, इन्वेंशन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज नॉट प्रीवियसली नोन टू एग्जिस्ट। तो पहले जिनको हम नहीं जानते हों, जो नई इन्वेंट हो, जैसे अब कोरोना की जो है COVID-19 की कोई वैक्सीन बनेगी तो वो क्या होगी, इन्वेंट होगी। उसके बाद उसमें जो है इनोवेशन होगी, जो उसमें हम देखना चाहें, कुछ उसमें तब्दीली करना चाहें, कुछ उसमें जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाहें, तो वो क्या होगी, इनोवेशंस होगी, ठीक है। तो इनोवेशंस जो है वो बेसिकली मुश्किल होती है इन्वेंशन से। इन्वेंशन तो जो आप सडनली भी हो सकती है, ठीक है,
नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इनोवेशन, जैसे मकूला भी है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के उसको कोई ना कोई चीज़ ईजाद कर लेता है, ठीक है। तो इन्वेंशन जो है, कंप्यूटर इज़ इन्वेंशन। इसी तरह टेलीफोन को अगर ले तो टेलीफोन जो वायर वाला यूज़ होता था, तो टेलीफोन क्या था, एक इन्वेंशन था। अब उसकी जो आगे वाली फॉर्म जो है, हम देखें हमारे पास जो है वो मोबाइल फ़ोन है, वायरलेस फ़ोन है, कई तरह के फ़ोन यूज़ होते हैं, तो वो क्या है, टेलीफोन की इनोवेशन है। टेलीफोन तो इन्वेंट हो गया, अब टेलीफोन की क्या है, इनोवेशन हुई है, मतलब टेलीफोन में तरमीम हुई है, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जिस चीज़ में मॉडिफिकेशन हो जाए, जिस चीज़ में अपग्रेडेशन हो जाए, या जिस चीज़ को देखते हुए हम कोई नई चीज़ दूसरी बना लें, उसको कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। इन्वेंशन जो बेसिक ईजाद होती है, और इनोवेशन जो इन्वेंट की हुई चीज़ में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसका थ्योरेटिकल थोड़ी सी तारीफ भी लिखी हुई है कि व्हाट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू यूजफुल एप्लीकेशन बाय कंबाइनिंग रिसोर्स। रिसोर्स को कंबाइन करते हुए कोई नया आइडिया लेना पहले बने हुए आइडिया से, क्रिएट करना ए न्यू और अनयूजुअल वे टू प्रोड्यूस वैल्यू टू सोसाइटी थ्रू इम्प्रूव प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। तो ऐसी चीज़ बनाना, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना जो कि क्या हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, किसी प्रोडक्ट में हो या सर्विसेज में हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो, आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप उसको टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से लेंगे। इनोवेशन हर चीज़ में होती है। जैसे अब मैंने आगे एग्जांपल दी कि कोरोना वायरस की जो है वो अब वैक्सीन ईजाद हो रही है, वो क्या होगी, इन्वेंट होगी ना, तो उसमें आगे इनोवेशन लाई जाएंगी। जैसे चाइना वालों ने एक जो है वो हेलमेट बनाया है जो कोरोना वायरस के पीपल को डिटेक्ट करता है। अब उसमें जो है कई बग्स होंगे, तो उन बग्स को दूर करके जो नया जो उसका अपडेटेड वर्जन बनाया जाएगा वो क्या होगा, इनोवेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आईफोन 4 पकड़े ना, और इधर दूसरे हाथ में अगर आईफोन एक्स मैक्स या आईफोन जो है 11, 10 जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है वो पकड़ें, तो आपको डेफिनेटली अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्वेंशन क्या थी और इनोवेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो इनोवेशन हमेशा जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाती है। सो देन नीचे एग्जांपल्स भी दिए हैं, लैपटॉप इज़ एन इनोवेशन। तो कंप्यूटर की जो एडवांस फॉर्म क्या है, लैपटॉप है, तो वो क्या है, इनोवेशन है। इसी तरह टेलीफोन, बहुत बेसिक एग्जांपल दी है मैंने, तो इसी तरह टेलीफोन की जो है वो मोबाइल फ़ोन, इसकी क्या है, इनोवेशन है। टेलीफोन की जो लेटेस्ट वर्जन है या जो लेटेस्ट उसकी जो चीज़ है वो क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। होप सो कि अब आप लोगों को ये नहीं भूलेगा इन्वेंशन और इनोवेशन। सो लेट्स बिगिन द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इन्वेंशन नीड पर्टिकुलर साइंटिफिक माइंडसेट। आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर किसी साइंटिस्ट ने ईजाद करनी है ना, तो वो उसको एक प्रॉपर उसका माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है। उसको प्रॉपर उसका इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो उसी पे फोकस करता है और उसी को ही बनाता है, सिर्फ एक चीज़ को ही, ठीक है। जैसे अगर किसी ने जो है वो कोई नई चीज़ इन्वेंट करनी है, जैसे कंप्यूटर ही था, कंप्यूटर को ही इन्वेंट करने वाले सिर्फ कंप्यूटर की स्पेसिफिक फील्ड पे काम करते हैं, और उनको सिर्फ वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट उसी के लिए चाहिए होता है कि मैंने यही बनाना है, और वही पढ़ते हैं, वही समझते हैं, उसी पे आगे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनोवेशन के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको आगे वाली थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, तो अगर आप एमफिल में अगर जाएं तो आपको एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए टीचर्स कह देते हैं, या एक कह देते हैं रिव्यू पेपर लिखें, ठीक है। तो रिसर्च पेपर में आपने क्या करना है, इन्वेंशन करनी है, कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट करनी है। दैट इज़ वेरी जो है वो डिफ़िकल्ट थिंग। सो आप वो बहुत मुश्किल लेवल पे जो है वो जाके होती है, क्योंकि उसके लिए रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। तो इन्वेंशन के लिए ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट्स हों, रिजल्ट्स आएँ उसके पास। तो एक टीचर कहता है कि आप उसका एक रिव्यू लिखें। रिव्यू का मतलब होता है कि आप कोई 10-15-20 पेपर पढ़ें, और उन 20 पेपर्स का कंक्लूजन निकाल के, समरी निकाल के अपना एक पेपर लिखें कि वो फलां पेपर में क्या कहा गया था, फलां पेपर में क्या कहा गया, फलां पेपर में क्या कहा गया था, और उसके साथ अपना भी कुछ एक आइडिया दें कि इन चीज़ों को पढ़ के मैंने ये प्रिडिक्ट किया है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी
कंपैरिजन कर रहा हूँ और आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि आप जो रिसर्च पेपर लिखेंगे वो आपकी इन्वेंशन है और जो आप रिव्यू पेपर लिखेंगे वो आपका इनोवेशन है। तो रिव्यू पेपर लिखने के लिए आपको 100 बंदों के आइडियाज़ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और इन्वेंशन के लिए आपको सिर्फ जो है वो पर्टिकुलर टास्क पे ही जो है वो पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो ये उसकी एग्जांपल है कि जो इनोवेशन के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए, आपको उसका डिज़ाइन चाहिए, आपको उसकी साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, आपको उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, आपको हर तरफ से देखना पड़ेगा किसी चीज़ को इनोवेट करने के लिए, इन्वेंशन उसमें करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए उसमें, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है, फॉर इनोवेशन यू मस्ट बी अ इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। वही बात है कि किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट करनी है तो वो या तो इंजीनियर होगा या साइंटिस्ट होगा, लेकिन इनोवेशन कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे वो मैट्रिक पास ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसने कोई चीज़ देखनी है, जैसे आजकल के पाकिस्तानी जो है वो अक्सर जो ये होते हैं कारीगर वगैरह, वो चीज़ों को देख के उनकी कॉपी करके तो बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनोवेशन करते हैं, बनाई किसी और ने, इन्वेंट किसी और ने किया है तो वो उसकी कॉपी करके बनाते हैं। जैसे आईफोन ने जो है वो 4 कैमराज का कॉन्सेप्ट दिया जो सिक्योर टाइप का, तो बाकी सारी कंपनीज ने उनकी कॉपी की और इनोवेशन की, इन्वेंट आईफोन ने किया है, इनोवेशन उन्होंने किया है। तो जो इन्वेंशन के लिए जो है हमें साइंटिस्ट या इंजीनियर होना पड़ता है, जबकि जो है इनोवेशन के लिए कोई साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं होना पड़ता, वो कोई भी बंदा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो इन्वेंशन डज नॉट नीड इनोवेशन, इन्वेंशन को इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जाहिर बात है उसने तो खुद इन्वेंट होना है, उसने कोई ना कोई नई चीज़ बननी है, तो उसको क्या है इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जब इनोवेशन हम करते हैं तो हम 100 नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, 100 नए आइडियाज़ हम देखते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इनोवेशन में क्या होती है, इन्वेंशन होती है, लेकिन इन्वेंशन में इनोवेशन नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो एक नई चीज़ बन रही होती है, सही है। तो ये तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस था। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ मार्केट ड्रिवन, और जब मार्केट की बात, थ्योरी क्या ही पढ़नी है आप लोगों को, वैसे ही जो है वो मैं समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। तो जब मार्केट जो है वो इन्वेंशन को बहुत इन्वेंशन को बहुत कम मानती है, बहुत कम मानती है और बहुत जल्द उसको भूल जाती है। जैसे देखें, स्टीव जॉब ने जो है वो आईफोन जो है वो इन्वेंट किया, ठीक है। अब जब भी आईफोन का नया मॉडल आता है, क्या आप स्टीव जॉब को याद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आप उसके नए मॉडल को देखते हैं, आप उसके नए जो है फीचर्स को देखते हैं, कोई भी ये नहीं देखता यार इसका इनोवेटर कौन है या इसको इन्वेंट किसने किया है, ठीक है। हर बंदा उसकी जो है वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप जो है वो पेंटियम यूज़ करें या आप कोटोड्यूल यूज़ करें, तो आप बिल्कुल उसी से भागेंगे। तो आप तो i7 i5 Xeon AMD ये सिस्टम यूज़ करने वाले बंदे हैं, तो आपको अगर पेंटियम कहा जाए तो आपसे वो नहीं चलेगा, मतलब आप कहेंगे यार कितनी स्लो टेक्नोलॉजी है, जबकि वो क्या है, वो इन्वेंशन है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए, वो इन्वेंशन है। ये जो आगे टेक्नोलॉजीज आई हैं ये क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। तो इनोवेशन मार्केट ज़्यादा मानती है इनोवेशन को, इन्वेंशन को बहुत कम मानती है और बहुत जल्दी इसको क्या करती है, भूल जाती है, ठीक है। इन्वेंशन तो क्या है कि मे और मे नॉट वाली बात ही है, ठीक है। मतलब कि इन्वेंशन कर ली किसी बंदे ने, को मार्केट को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, इन्वेंशन तो हो ही गई है, ठीक है। उसने इन्वेंट कर लिया, चाहे उसको मार्केट में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है इनोवेशन हैपन्स होती है व्हेन, जब आपने जो है वो क्या करना हो, बहुत सारा पैसा कमाना हो, ठीक है, या आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनोवेशन कैसे, देखिए जब भी कोई चीज़ आप नई इन्वेंट करेंगे, मार्केट के हिसाब से इन्वेंट करेंगे, पीपल्स की नीड को देखते हुए इन्वेंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे आप पैसा भी कमाएंगे और फेम, दोनों चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इनोवेशन जो है वो मार्केट में ज़्यादा प्लेस रखती है, सही है। तो इसीलिए एक कोटेशन भी नीचे बताइए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, प्रॉफिट मोटिव एंड क्रिएटिविटी आर दी
पेरेंट ऑफ इनोवेशन। तो जो चीज़ें ज़रूरत ईजाद की माँ है बिल्कुल है, लेकिन जब क्रिएटिविटी आती है उसमें जो है इन्हांसमेंट आती है तो वो क्या है, इनोवेशन है। तो इनोवेशन क्या है, पेरेंट्स है मार्केट के हिसाब से अगर बात किया जाए। ठीक है, तो ये थोड़े से इसके डिफरेंस थे। नेक्स्ट देखें टाइप और टाइप ऑफ इनोवेशन। टाइप्स तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू शम्स पेटर जो है इनोवेशन की जो उसने बताई है कि ये वेज हो सकते हैं इनोवेशन के लिए, ये पॉसिबल वेज हैं, पॉसिबल जो है वो तरीके हैं, इनसे जो है इनोवेशन जो है वो ड्रा की जा सकती है या अखज़ की जा सकती है। ठीक है, सोर्स ऑफ सप्लाई, ज़ाहरी बात है जब भी इनोवेशन करनी है आपने तो कोई ना कोई इन्वेंशन जो आपको चाहिए होगी ना, जैसे मैंने आईफोन की आपको एग्जांपल दी, तो आईफोन के नए लेटेस्ट वर्जन के लिए आपको उसका पुराना वर्जन चाहिए। ठीक है, तो इनोवेशन के लिए कोई ना कोई पुराना सोर्स या कोई ना कोई सप्लाई पहले से होनी चाहिए हमारे पास। और उसके बाद आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है इनोवेशन के लिए। ठीक है, कमोडिटी जो है वो आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको इन्वेंट करना चाह रहे हैं, किस स्पेसिफिक फील्ड में आप उसको इन्वेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनोवेशन इन सोर्स के, इन चीज़ों के ज़रिए आप जो है कोई भी चीज़ जो है इन्वेंट कर सकते हैं, एक भी किसी एक को भी लेके आप इन्वेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को ले लें आप, मार्केट को ले लें, मार्केट प्लेस को, मार्केट गैप को ले लें, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो है वो इनोवेशन करना चाह रहे हैं, सोर्स ऑफ सप्लाई जो पहले इन्वेंशन हुई है उस पर आप इनोवेशन करना चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो मार्केट वर्थ क्या है। तो ये एक किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप क्या है इनोवेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है जी, ड्राकेस ने जो है वो 6 सोर्स ऑफ इनोवेशन जो है वो प्रेजेंट किए, कि उन्होंने 6 ऐसे सोर्सेज बनाए जो हर जिन पर अमल करके हम इनोवेशन कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि 6 सोर्सेज से इनोवेशन की जो है इनोवेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए दी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड से क्या मुराद है कि जो पीपल्स की जो है आप कह लें अनएक्सपेक्टेड से, एक तो इनोवेशन इस तरह है ना कि जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ना हो, जिसकी होने की कोई वजह ना हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो है इनोवेशन हो जाए, मतलब बंदा ना चाह रहा हो तो कुछ ना कुछ जो है वो जैसे एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ और एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो इसी तरह जो अनएक्सपेक्टेड इनोवेशन जो है वो हो जाती है, जिसमें जो है वो बिल्कुल भी कोई बंदे का नहीं होता कि इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इनोवेशन बेस्ड ऑन प्रोसेसेस नीड, मतलब लोगों के प्रोसेसेस को देखते हुए, लोगों की नीड को देखते हुए आप इनोवेशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें वेब 1.1 की, तो वो क्या थी, रीड ओनली वेब थी, उसमें जो है वो कंटेंट को सिर्फ आप रीड कर सकते थे, आप उसमें जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते, उसको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वेब जो है 2.2 आई जब, तो उसने उसमें क्या है, आप जो है वो शेयर कर सकते हैं, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, और उसमें आप अपने जो है वो कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लोगों की एक नीड थी, ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लोगों ने डेवलपर्स ने इस नीड को पूरा किया है। ठीक है, इसी तरह जब देखा लोगों को आईफोन ने या किसी और मोबाइल ने देखा, लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग जो है वो अच्छे कैमरे में इंटरेस्टेड हैं, लोग जो है मोबाइल के साइज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से क्या करनी शुरू कर दी, इनोवेशन करनी शुरू कर दी। तो इनोवेशन एक इस अपॉर्चुनिटी से भी गेन की जा सकती है कि इनोवेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस नीड, लोगों की नीड के हिसाब से जो है वो हम इन्वेंट कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट देखें, चेंज इन इंडस्ट्री और मार्केट स्ट्रक्चर, तो जो मार्केट को देखते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो चेंजिंग लाई जाए, उनको कहते हैं कि उनके लिए ये पॉइंट बनाया गया। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, आप जो है वो पहले टाइपिस्ट होते थे, जो टाइप करते थे टक 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 टक, अक्सर वो जो है वो अदालतों वगैरह में बैठे होते थे, एक एक उसमें जो है वो प्रिंट जो वर्ड टाइप करना पड़ता था। उसके बाद जो इसकी इन्वेंशन हुई,
लोगों की नीड थी, मार्केट की ज़रूरत थी, तो क्या फ़ोटो कापी मशीन या कार्बन मशीन, जो पहले कार्बन कॉपी बनती थी फिर अब फ़ोटो कापी मशीन आ गई है, तो ये क्या है लोगों की और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखकर क्या है उन्होंने इन्वेंशन की है। जैसे नोकिया थी, उसके बाद सैमसंग ने आके अपनी मार्केट जो है वो डिवेलप की, मार्केट को देखा उन्होंने कि मार्केट गैप क्या है और इंडस्ट्री में चेंजिंग क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो एक इस तरीके से भी इनोवेशन हो सकती है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स क्या कि जो यंग जनरेशन जो यूथ है उनको देखते हुए आप जो है वो स्ट्रक्चर बनाएं या आप जो है इनोवेशन करें, ठीक है, यूथ को प्रेजेंट कर रहा है ये। चेंज इन परसेप्शन मोड एंड मीनिंग, परसेप्शन मतलब लोगों को देखते हुए कौन सी चीज़ जो है बनानी चाहिए, लोगों की नीड क्या है, ठीक है, उसको देखते हुए। जैसे आईफोन ने मार्केट गैप फाइंड किया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने लोगों को देखा कि उन्हें क्या चाहिए, उस नीड को पूरा करते हुए उन्होंने क्या किया है, लोगों की थिंकिंग को प्रिसीव किया है उन्होंने, ठीक है, प्रिसेप्शन को प्रिसीव किया है और देखा है कि इनको क्या चीज़ की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट देखें न्यू नॉलेज, कोई ऐसा न्यू आइडिया, कोई ऐसी न्यू चीज़ जो दो चीज़ों को मर्ज करके जो है वो बनाई जा सके। जैसे देखिए मोबाइल में, टेलीफोन में जो है वो फैसिलिटी नहीं थी आप तस्वीर बना सके, आप जो है वो उस पर कैलकुलेशन कर सके, ठीक है, आप उसमें कोई और काम कर सके, जो है वो सॉन्ग सुन सके। तो हमने क्या किया, टेलीफोन के आइडिया को अपने दूसरे आइडिया के साथ मिक्स किया है, तो जो हमारा दूसरा आइडिया वो हमारा न्यू नॉलेज है। तो जब दो चीज़ों को इस तरह मर्ज किया जाए तो उससे भी क्या होती है, इनोवेशन डिवेल्प हो सकती है, ठीक है, न्यू नॉलेज के थ्रू भी हम इनोवेशन डिवेल्प कर सकते हैं। तो ये जो है क्लास इनोवेशन का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। इसको जो मैं आपको एक एग्जांपल के अगर थ्रू समझाऊं, सो देखें अगर आप बात करें आईफोन की, आईओएस की बात कर लेता हूं, आईओएस की और एंड्रॉइड की, ठीक है, ये iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो बहुत बड़ी कंपनीज है जो आजकल मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। सो अब देखें एक बंदा आता है और वो कहता है कि यार मुझे ना वायरस फ्री जो है वो प्लेटफॉर्म चाहिए, या मुझे वायरस फ्री जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो जाहिरी बात है अब वायरस फ्री सिस्टम, वायरस क्या है आपको पता है कि जो है वो हार्मफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड है और जो आपके सिस्टम को जो है वो तबाह कर देती हैं। अब वायरस फ्री जो है वो यूज़र की डिमांड है, ठीक है, अब इन दोनों में से देखें कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो वायरस फ्री जो है प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। नो डाउट कि iOS प्लेटफॉर्म ऐसा है जो वायरस फ्री प्रोडक्ट जो है वो हमें इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। सो वायरस जो क्या है, यूज़र की डिमांड है, अब यूज़र क्या है, iOS के पास क्या है, तो अब ये जो है एंड्रॉयड के लिए क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज पे है iOS, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर एक और यूज़र आता है वो कहता है मुझे प्राइस, वो प्राइस को मैटर करता है, ठीक है, वो सिक्योरिटी को कुछ नहीं देखता, वो कहता है मुझे थोड़े पैसों वाला फ़ोन चाहिए और स्पेसिफिकेशन भी मेरी फ़लाँ फ़लाँ है। अब दोनों जो है वो स्पेसिफिकेशन में तो पूरे उतर रहे हैं लेकिन प्राइस में नहीं उतर रहे, पर प्राइस, यूज़र की डिमांड क्या है, प्राइस। अब क्या है, प्राइस वाले लेना है, प्राइस कम में लेना है, तो वो एंड्रॉयड के पास जाएगा। अब एंड्रॉयड जो है इस प्राइस के जो है एस्पेक्ट के लिहाज से इस iOS के लिए क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपेटिटिव आपको पता है जैसे मुखालिफ को कहते हैं, ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए जो कोई डिवाइस, कोई जो है सर्विस, कोई जो है सपोर्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी हो, ठीक है, जिस बिहाफ पे, तो वो उसके लिए क्या होती है, कंपेटिटिव एडवांटेज होती है, ठीक है। क्लास होप्स हो कि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी होगी इसकी। सो यही मैंने आपको बताया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, इसकी जो है मैंने किया की हुई है, आपको दी हुई है डेफिनेशन कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट फॉर अ प्राइस डैट लोअर देन अस
सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपेटिटर, दोनों की प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस कम है, दैट कंपनी इज लाइकली टू हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो दूसरी कंपनी जिसकी प्राइस कम है वो दूसरी कंपनी के लिए क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज है। ठीक है क्लास, तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज की थोड़ी सी है डेफिनेशन। मतलब के एक किसी एक बिना पर किसी एक चीज़ पर दूसरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से फोकियत ले जाना, उससे जो है आप उसको ज़्यादा जो है वो समझे, उसको क्या कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज की क्या है। मेंटेन एंड सस्टेन अ फेवरेबल मार्केट पोजिशन। जाहिरी बात है जब आप जो है एक बंदे को कम पैसों में उस वही चीज़ दे रहे हैं जो इसकी डिमांड है, तो वो क्या करेगी, मार्केट बनाएगी। जैसे आजकल वीवो इन्फिनिक्स ये वाले मोबाइल जो है वो मार्केट बना रहे हैं, तो मेंटेन एंड सस्टेन अ फेवरेबल मार्केट पोजिशन। तो कंपेटिटिव एडवांटेज से क्या होता है कि मार्केट पोजिशन आपकी बरकरार रहती है। नेक्स्ट देखिए, अबिलिटी टू ऑफर बायर समथिंग डिफरेंट, प्रोवाइड मोर वैल्यू फॉर द मनी। ठीक है, तो कुछ अच्छा देना उन्हें या कुछ अच्छा प्रोवाइड करना लेकिन उतने ही पैसों में। ठीक है, मतलब जितने पैसे वो दे रहा है आप उन्हीं पैसों में उसे ज़्यादा अच्छी चीज़ दें, तो वो क्या है, वो भी कंपेटिटिव एडवांटेज है, ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक है। तो कुछ ऐसा बना देना, अबिलिटी टू ऑफर बायर, तो जो अबिलिटी प्रोवाइड करना बायर्स के लिए। ठीक है, अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज कब आएगी, जब आपकी जो है बनाई गई स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होंगी। जाहरी बात है जब आपने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो सक्सेसफुल होंगी तो आप क्या है वो कंपेटिटिव एडवांटेजेस आपको गेन होगा। सही है, सो ये जो है वो क्लास कंपेटिटिव एडवांटेज के थोड़े से जो है वो एक तो उसकी डेफिनेशन थी, एक करैक्टरिस्टिक है किस तरह जो है वो हम जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज गेट कर सकते हैं। सो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें उसने कहा है कि व्हाट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो सिलेक्शन से पहले हमें उसके बारे में जो है वो बिल्कुल हावना होना चाहिए और काफ़ी कुछ हमें पता होना चाहिए कि हम किस बिना पर सिलेक्शन करें तो हमारे जो है वो हमारे गोल्स हमें गेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट, विच वन इज़ द बेस्ट वन फॉर अस। ठीक है, और हमें पता चलेगा कि व्हाट प्रोसेसेस विल बी परफॉर्म्ड और व्हाट प्रोसेसेस विल बी गेन और गेट, और हमें क्या पता चलेगा हाउ डिसीजन मेकिंग विल परफॉर्म, और क्या हमें पता चलेगा Who will involve in selection? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी, सिलेक्शन से पता चलेंगी कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए या हम किस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी को सही सिलेक्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, उसका प्रॉफिट, उसकी जो वर्थ, GDP सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करने से पहले हमें जो है वो फॉलोइंग 5 things के बारे में जो है वो देखना है। सबसे पहले एनालिसिस है, उसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस है, उसके बाद एक्सपर्ट जजमेंट है, डिसीजन क्राइटेरिया, फाइनेंशियल एनालिसिस है। उनके नाम ही बता रहे हैं कि उनके काम क्या है। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि एनालिसिस क्या है। सबसे पहले आप जब भी किसी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं तो आपके जहन में आता है कि जब भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को, तो आपके जहन में आता है कि अगर एक प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप सोचते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाए तो नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, और ये कितना जो है वो रोल या पार्ट किरदार अदा करेगी हमारे जो है फ्यूचर लाइफ में। ठीक है, आप लगा देते हैं टेक्नोलॉजी और कुछ अरसा बाद क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है और उसमें इनहांसमेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजी और कुछ अच्छी अपडेशन हो जाती है, तो उससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा,
ठीक है। तो सर जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, तो आपके जहन में ये सारी बातें आ रही होती हैं, ठीक है। या आप जो है वो टेक्नोलॉजी को कल कलां को चेंज करेंगे, तो उससे जो है वो टेक्नोलॉजी को इफेक्ट क्या होगा, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को सॉरी इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। या आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल कलां को गोल चेंज हो जाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी जो हमने लगाई है वो इफेक्टिव रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो एनालिसिस करनी है। सबसे पहले आपने काम ही एनालिसिस का करना है, आपने एनालाइज करना है पोर्टफोलियो को, आपने देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी इन फ्यूचर भी और प्रेजेंट कंडीशन में भी, ठीक है। थ्योरी आप लोग क्लास खुद ही पढ़ लीजिएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो लाजमी होता है, पोर्टफोलियो तो लाजमी है ना। जैसे आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो होगा, उसमें पोर्टफोलियो असल में क्या होता है, पोर्टफोलियो में इसमें जो है वो आपके एसेट्स होते हैं, आपकी जो है मशीन्स होती हैं, आपके लेबर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज, आपके शेयर्स, और मार्केट में आपकी वैल्यू, आपकी GDP, ये सारा कुछ जो है वो आपकी किस में होता है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हैं, आप फाइनेंशियल तौर पर किधर जा रहे हैं, तो सारा कुछ एक रिपोर्ट में होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। अब जब भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करते वक्त देखना है कि जो चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में हैं और जो टेक्नोलॉजी हम लगा रहे हैं वो इससे अलाइन हैं भी या नहीं, मतलब उससे मिलती भी हैं या नहीं। और हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें और हमारा पोर्टफोलियो तबाह हो जाए, जिससे पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें ही आती हैं, तो इसलिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन पोर्टफोलियो पे डिपेंड है। तो इसलिए यू हैव टू जो है वो आपको इंश्योर होना चाहिए कि जो हमारी पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी इंसर्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं एक्सपर्ट जजमेंट। जाहरी बात है जब मतलब कोई भी बिजनेस, ये आम भी जिंदगी में आप असूल याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप करना चाह रहे हों जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो आप किसी एक्सपर्ट से उसकी जो है वो राय ले लें, सजेशन ले लें, ठीक है। क्योंकि वो मार्केट में हो आया होता है, उसने धक्के वगैरह खा लिए होते हैं, उसने देख लिया होता है हर टेक्नोलॉजी को लगा के, हर एम्प्लॉयज़ के साथ उसने उठ बैठ के देख लिया होता है। सो जब भी आप टेक्नोलॉजी लगाएं, तो उससे पहले आप किसी एक्सपर्ट की जो है वो क्या ले लें, राय ले लें, ठीक है। बिकॉज ही बेटर नाउ अबाउट दी डिसीजन एंड ही बेटर नाउ अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, तो वो बेहतर आपको बता देगा। इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी लगाने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले एक दफ़ा एक्सपर्ट जजमेंट लाजमी लें, जो बंदा, जिस बंदे ने पहले उसको यूज़ किया हो, जो बंदा उसमें एक्सपर्ट हो, जो बंदा टेक्नोलॉजी जानता हो, उसको जो है वो ज़रूर अंदर रखें और उससे मशवरा लें, उससे सजेशन लें कि जो ये सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ये सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है डिसीजन क्राइटेरिया। फाइनली आपने डिसीजन लेना है कि ये मैंने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर ली है, ये मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। फाइनेंशियल एनालिसिस तो मस्ट है ना, वो तो बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस यूज टू एनालाइज वेदर एन एंटिटी इज स्टेबल, सॉल्वेंट और प्रॉफिटेबल इनफ टू इंश्योर अ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हो और क्या हो, प्रॉफिटेबल भी हो और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्वेबल भी करते हों, वो वाली टेक्नोलॉजी फाइनेंशियली भी देखना है कि इतने पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं, कल कलां को ये तबाह हो जाती है, अपडेशन आ जाती है, हमारे गोल्स चेंज होते जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे काम आएगी या नहीं, ठीक है। तो ये भी देखना है नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस भी। तो ये पांच चीज़ें जो हैं, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सपर्ट जजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस और एनालिसिस, ये पांचों छह चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन के वक्त। तो आपने इन सब चीज़ों का गौर जो है वो रखना है जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कोई टेक्नोलॉजी या किसी को सिलेक्शन करवा रहे हो। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फैक्टर इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। इंटेंजिबल क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। डेफिनेशन अगर इसकी फिजिकली डेफिनेशन बताई जाए तो वो चीज़ें इंटेंजिबल होती है, जैसे थॉट्स, थिंकिंग, ठीक है, इनको हम छू नहीं सकते। गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इसको छू नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, ये इंटेंजिबल है। तो जब भी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें तो इंटेंजिबल और टेंजिबल फैक्टर दोनों को देखें, क्योंकि दोनों फैक्टर से ही मिलकर टेक्नोलॉजी बनती है। सो पहला देखें टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फैक्टर्स, मस्ट है देखें, ठीक है।
सिस्टम रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम, अब हम जो नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहे हैं कि वो उस वो रिलायबल है और अवेलेबल है 24 घंटे के लिए, हमें तो इस बात का आइडिया नहीं है कि वो कितनी देर के लिए अवेलेबल रहेगी या नहीं। तो सिलेक्शन करते वक्त इन चीज़ों को देखना है, अवेलेबिलिटी को भी रिलायबिलिटी को भी देखना है कि वो हमारे हमारे लिए रिलायबल है या नहीं, और अवेलेबिलिटी भी देता है जितनी हमें चाहिए या नहीं, ठीक है। सिस्टम कैपेसिटी देखें, स्टोरेज देखें उसकी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी देखें कि वो हमारी जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रिंटर लेना है तो मुझे एक दिन में कोई 15,000 प्रिंट निकालने हैं। अब मैं छोटा प्रिंटर जो है वो ले आऊँ जो छोटे मॉडल हैं तो वो क्या करेंगे, वो तो स्टक हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, टोनर ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो सिस्टम कैपेसिटी देखें, और क्या है अपग्रेडेबिलिटी और ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। कल कला को हार्डवेयर लेवल पे कोई हमें अपग्रेडेशन करनी पड़ जाती है, अपग्रेडेबिलिटी करनी पड़ जाती है, अपग्रेडेशन करनी पड़ जाती है, तो वो भी जो है वो सिलेक्शन के वक्त देखें कि कल कला को उस पर कितना खर्चा आएगा, या कितने अरसे बाद जो हमें सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा, कितने अरसे बाद उसमें अपडेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो भी देखें, कल कला को कोई कंपेटिटिव एडवांटेज हमारा आ जाता है, कंपेटिटर हमारा जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी ले आता है और वो हमसे जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी ले आएगा, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी तब भी हमारे जो है वो उससे मुकाबला करेगी या नहीं, तो ये भी चीज़ें देखें, ठीक है। टेंजिबल फैक्टर्स अगर देखें जिनको छुआ जा सकता है, तो सबसे पहले बात है करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स और लॉ का टर्म है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि जब भी कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास जो है वो बिजनेस के लिए कितने पैसे हैं, ठीक है, जो उसके पास जो पैसा है अपने ऑर्गेनाइजेशन पर लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो जितना भी है वो उसकी क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उसने रखी हुई है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो टेंजिबल फैक्टर में आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू कंसर्न अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हेन यू सेलेक्ट अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूनिट कॉस्ट क्या होता है, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कीबोर्ड ही पड़ा हुआ है, कीबोर्ड की मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं जो है वो कीबोर्ड बनाता हूँ, तो जो एक कीबोर्ड मैं बनाऊँगा उस पे जो एक कीबोर्ड बनाने पे जो खर्चा आएगा, जो उसकी जो है वो प्रोडक्शन पे कॉस्ट आएगी, उसको कहते हैं यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे कोई पूछे यूनिट कॉस्ट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए और आप इसकी डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक मोबाइल, एक कीबोर्ड, एक लैपटॉप, एक बॉल पेन, एक रजिस्टर बनता है किसी भी यूनिट पर, तो वो क्या होता है, उसकी यूनिट कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग ऑपरेशन या ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कोई भी मशीन जब चलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टाइप की मशीन हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है, जैसे जनरेटर के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और लैपटॉप के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, मोबाइल कॉल के लिए बैलेंस रिक्वायर्ड है, वेब होस्टिंग के लिए हमें फी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो जो चीज़ किसी मशीन की ज़रूरत होती है वो उसकी क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, फ्यूल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ठीक है, वेब होस्टिंग के लिए उसको पे करना जो होस्टिंग के लिए, वो कॉस्ट, बैलेंस की कॉस्ट, तो ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर लगती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी नेटवर्क जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट हमारे पास जो है वो इन्वेस्ट होती है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, कि नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो ये जो है वो सिलेक्शन के वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यू मस्ट बी इंश्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस वाज योर लेक्चर क्लास, होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, इसमें बहुत अच्छी डेफिनेशंस हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यूनिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आप कंसर्न रखें। टेंजिबल एंड टेंजिबल की डेफिनेशन हमने देखी है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो 5 क्राइटेरियाज है वो देखे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है कंपेटिटिव एडवांटेज देखा है, उसकी डेफिनेशन देखी है, और हमने जो है आज जो है वो इनोवेशन इन्वेंशन में जो है वो डिफरेंस देखा। सो दिस वाज योर लेक्चर क्लास, होप सो यू गेट माय पॉइंट। स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।